वेलकम माई वेरी वेरी प्रेशियस जेमिनाइज। जेमिनाइज आपकी अप्रैल की लव रीडिंग है और इस रीडिंग में हम आपकी लव लाइफ और जो रिलेशनशिप वाला पार्ट है आपका अप्रैल का, उसकी एनर्जी चेकिंस करेंगे कि आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, क्या आप फील कर रहे हैं अप्रैल में, क्या चीज़ें होते हुए दिख रही हैं, कौन लोग दिख रहे हैं आपकी लव लाइफ में। सो ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले जनरल एनर्जी चेक इन करेंगे, आपके अलग अलग इमोशंस देखेंगे अप्रैल के, उसके बाद आपकी लव लाइफ का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आउटकम, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं और यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए, ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं जनरल एनर्जी चेक इन से। ओके शो अस क्लियरली, लेट्स सी, आई एम सो एक्साइटेड जेमिनाइज के इस महीने क्या आने वाला है आपके लिए। ओके सबसे पहले है फाइव ऑफ वांड्स और है एस ऑफ कप्स, अमेजिंग। सो सबसे पहले फाइव ऑफ वांड्स आया है। फाइव ऑफ वांड्स इस डेक में ऐसा बताता है कि जो झगड़ा है वो ख़त्म हो चुका है, जो स्ट्रगल है वो ख़त्म हो चुका है। तो अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था आपकी लव लाइफ में, आपका आपके पर्सन के साथ में चल रहा था, या फिर इन जनरल आप सिंगल हैं और लव लाइफ में अपने स्ट्रगल कर रहे थे, तो आपका स्ट्रगल ख़त्म होते हुए दिख रहा है। फाइव ऑफ वांड्स मतलब कि सपने अपने हथियार डाल दिए हैं और लव लाइफ में एक हारमोनी क्रिएट हो रही है, तो यहाँ पे हारमनी है। उसके बाद में बहुत ही अमेजिंग सा एस ऑफ कप्स आया है। एस ऑफ कप्स बहुत ही अच्छा कार्ड है लव लाइफ में आने के लिए। एस ऑफ कप्स क्या सारी चीज़ें बताता है, सबसे पहले तो जितने भी लोग सिंगल हैं आपकी लव लाइफ में कुछ बहुत ही अमेजिंग सा शुरू हो सकता है। यहाँ पे कोई नया कनेक्शन शुरू हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो आपका और आपके पर्सन का बहुत सारा टाइम अप्रैल में बहुत ही लविंग एनर्जी में जाएगा, जहाँ पे आप बहुत लव्ड फील करेंगे, आपके पर्सन को आप लव्ड फील करवाएंगे, बहुत ही अच्छा एक्सचेंज ऑफ एनर्जी दिख रही है। तो लविंग डेज दिख रहे हैं, बहुत ही केयरिंग डेज दिख रहे हैं, नर्चरिंग डेज दिख रहे हैं, जहाँ पे आप और आपके पर्सन एक दूसरे को नर्चर कर रहे हैं। ये रीडिंग आप नो मैटर आप अपनी लव लाइफ के किस फेज में हैं, ये रीडिंग आप पे अप्लाई होती है, चाहे आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो, या रिलेशनशिप के लिए, मैरिड लाइफ के लिए, या फिर सिचुएशनशिप के लिए, या फिर आप सिंगल हैं और आपकी लाइफ में कोई है पर्सन जिससे आप बात करें, यू नो कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे आप सबके लिए बहुत ही ये लविंग मंथ दिख रहा है, स्पेशली अप्रैल के कुछ दिन तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज में जाते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद में है यहाँ पे टेन ऑफ वांड्स। टेन ऑफ वांड्स ये बता रहा है कि अप्रैल में एक टाइम ऐसा आ सकता है जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि जिस कनेक्शन में आप हैं या फिर जिस पर्सन के साथ आप हैं, उस कनेक्शन में आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, आपके स्ट्रगल थोड़े ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली। आप जिससे डील कर रहे हैं वो थोड़ी कम मेहनत करेंगे, आप ज़्यादा मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। लाइक कुछ भी बात होगी तो आप सबसे पहले रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो आप सबसे पहले उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थोड़े से बर्डन आप लग रहे हैं किसी कनेक्शन के कारण, थोड़ा बर्डन फील हो रहा है, बट यहाँ पे जो बहुत सारी लविंग एनर्जी भी है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल आया है। पेज ऑफ पेंटिकल किसी नए पर्सन की प्रेजेंस, किसी न्यू एनर्जी की प्रेजेंस बताता है, और कई बार ये भी बताता है कि जिस कनेक्शन में आप हैं उस कनेक्शन में कुछ रिन्यू होंगी चीज़ें, यू नो आपके और आपके पर्सन के साथ में। तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे चल क्या रहा है, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ पे चल क्या रहा है। यहाँ पे पहले तो फाइव ऑफ वांड्स है। फाइव ऑफ वांड्स क्लियरली हमें ये बता रहा है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट है लव लाइफ का, कोई झगड़ा है वो ख़त्म हो रहा है। उसके बाद में एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि प्यार मिल रहा है आपको, आप सेटिस्फैक्शन फील कर रहे हैं अप्रैल के कुछ दिन। उसके बाद आपको ये लग रहा है कि सारी मेहनत कनेक्शन में मुझे ही करनी पड़ती है, हमेशा मुझे मनाना पड़ता है अपने पर्सन को, या फिर हमेशा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो मुझे क्लियर करनी पड़ती है। अभी यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल आ गया है। पेज ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि कुछ आपको आपके पर्सन कुछ दे रहे हैं, कुछ नए नएपन के साथ में कुछ इनिशिएटिव आपके साथ ले रहे हैं। तो अगर आप ऐसा फील कर रहे थे बीच में कि बहुत ही बर्डन फील हो रहा है मुझे इस पर्सन के साथ में, ये पर्सन मुझसे ढंग से बात नहीं कर रहा है, हम लोग के झगड़े बहुत हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पर्सन कुछ छोटा सा इनिशिएटिव लेंगे आपके झगड़े को सॉल्व करने के लिए, या फिर आपके कनेक्शन को बेटर बनाने के लिए। ये कोई छोटा सा इनिशिएटिव दिख रहा है।
अब आप वो पर्सन है जो कि सिंगल है और जिसके लाइफ में कोई भी इंसान नहीं है, तो यहाँ पे क्लियरली आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आते हुए दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ कप्स बहुत ही ऑब्वियसली ये चीज़ बता रहा है, और पेज ऑफ पेंटिकल भी। कोई पर्सन आपकी तरफ इनिशिएटिव लेगा, आपसे बात करना शुरू करेगा, आपको पसंद करना शुरू करेगा, तो ये यहाँ पे चीज़ें दिख रही है। यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा लविंग कनेक्शन आप किसी के साथ में शेयर कर रहे हो। अगेन कप्स है, ये दोनों कार्ड्स कप्स के हैं जो कि बता रहे हैं कि बहुत ही अच्छे कुछ मोमेंट्स आएंगे लव लाइफ में जिन्हें आप चेरिश करेंगे, जिन्हें आप इंजॉय करेंगे। अब जैसे जैसे हम रीडिंग में आगे बढ़ते जाएंगे हमें और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिलती जाएगी कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, बट अभी के लिए एनर्जी ये है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है, आपकी लाइफ में कोई कैंसर पाइसिस या स्कॉर्पियो की एनर्जी दिख रही है, कर्क राशि, मीन राशि या फिर वृषभ राशि। और ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ का पर्सन कैंसर पाइसिस या स्कॉर्पियो हो, बेसिकली ये वाटर एनर्जी इसीलिए आई है क्योंकि वाटर एनर्जी बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ 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 वाटर एनर्जी क्या बताती है कि यस हो सकता है लव लाइफ में स्ट्रगल्स हो सकता है कभी कभी आपको बर्डन भी फील होता हो, बट यहाँ पे आपको प्यार मिल रहा है। ये सारे कप्स प्यार, इमोशन, केयर बता रहे हैं जो आपको मिल रही है अप्रैल में। तो अभी अगर अभी तक हम देखें कि मेन एनर्जी चेक इन में क्या चल रहा है, तो बहुत ही मिक्स्ड महीना दिख रहा है, जहाँ पे यू नो मैक्सिमम चीज़ें अच्छी होंगी, बट अभी थोड़ा सा बर्डन भी हमें दिख रहा है। ओके, मूविंग ऑन, यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, और सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी और सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी ये बताती है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में झगड़ा हो सकता है इस बात को लेके कि आप या आपके पर्सन दोनों में से कोई एक इंसान अपने करियर पे ज़्यादा फोकस्ड है, पैसों पे ज़्यादा फोकस्ड है, यू नो। तो क्योंकि कोई आप दोनों में से कोई एक इंसान है जो अपने करियर को चूज़ कर रहा है, तो आपस में स्ट्रगल्स हो सकते हैं थोड़े, कि ये पर्सन मुझसे ज़्यादा बात नहीं कर रहा, अभी तो थोड़े दिनों पहले बहुत अच्छे से बात कर रहा था, इसको क्या हो गया, बिकॉज़ कोई दूसरा पर्सन बहुत ज़्यादा अपने काम पे फोकस करने लग गया, तो दूसरा पर्सन फिर आप दोनों में से कोई एक बहुत ही ज़्यादा अनॉयड फील कर सकता है, जिसके भी साथ आप डील कर रहे हो, नो मैटर ये पर्सन कौन हो, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, बिकॉज आप सब लोग अलग अलग सिचुएशन में हैं। अभी मैं इस रीडिंग को उस कैटेगरी में नहीं डालूंगी, जब हम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर आपका निकालेंगे तब हम देखेंगे कि कौन पर्सन दिख रहा है। बट अभी जो एनर्जी ये दिख रही है कि आप अपने पर्सन के साथ में थोड़ा सा झगड़ा कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे किसी एक का फोकस बहुत ज़्यादा पैसों पे है या फिर करियर पे है। उसके बाद में यहाँ पे पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी है और नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। जेमिनाई, लेट मी टेल यू वन थिंग, आप चाहे किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हो, चाहे आप सिंगल हो, यहाँ पे आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि कुछ नए लोग हैं जो आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो जितने भी लोग सिंगल हैं आपके लिए तो बहुत ही ऑब्वियस होगी एनर्जी, एक नहीं दो दो लोग आपकी लाइफ में दिख रहे हैं जो आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं और कुछ सीरियस कनेक्शन आपके साथ में फॉर्म करना चाहते हैं। तो जो भी आपकी लव लाइफ में चल रहा है वो तो चल ही रहा है, साथ में नए लोग एंटर होंगे जो आप में इंटरेस्ट लेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, आपसे मिलेंगे, तो आपको अटेंशन काफ़ी सारी जगह से मिल रही है अप्रैल में। उसके बाद यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है और नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। एक टाइम अप्रैल का ऐसा आने वाला है जहाँ पे आप खुद मुझे दिख रहे हो कि आप बहुत ही ज़्यादा अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, लव लाइफ पे से फोकस थोड़ा सा आप हटा रहे हो और बहुत ही अच्छा फील कर रहे हो, इंडिपेंडेंट फील कर रहे हो, आपके करियर में कुछ अच्छा हो रहा है और इसीलिए आप थोड़ा अपना फोकस अपने करियर वाले पार्ट पे स्विच कर लेंगे, लव लाइफ से हटा के और करियर पे आप अपने आप को स्विच करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ करियर में अच्छा होते हुए दिख रहा है। सो यस, बहुत ही ज्यादा मिक्स्ड एनर्जी है आपकी। और क्या हो रहा है यहाँ पे आपकी लाइफ में? ओके, वी हैव सेवन ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। ओके, अगर आप किसी को अपना ऑफर देना चाहते हैं, कमिटमेंट का ऑफर देना चाहते हैं, आप किसी पर्सन को देखते हैं अप्रैल में, नो मैटर वो पर्सन कौन है, अगेन आप उस पर्सन को देख के सोचते हो इस पर्सन के साथ में अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ या फिर बिताना चाहती हूँ, मैं सीरियस हूँ उस पर्सन को लेके, और आप उस पर्सन को ऑफर देने का सोचो, तो वो पर्सन अभी रेडी नहीं है आपके ऑफर के लिए, थोड़ा सा टेक इट स्लो, दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी येट। अगर आप किसी इस पर्सन से सीरियस कमिटमेंट की बातें करोगे तो ये पर्सन भाग सकता है दूर आपसे। ओके,
और वैसे वर्षा ये आप भी हो सकते हैं कि अगर आपको कमिटमेंट नहीं चाहिए अभी लाइफ में, तो कोई पर्सन है जो हो सकता है आपको कमिटमेंट दे और आप भागो. मतलब कि एक पर्सन है जो दूसरे पर्सन को कमिटमेंट जिंदगी भर के साथ की बात हो रही है यहाँ पे, यू नो लाइफ टाइम साथ में रहने की बात हो रही है. बट कोई दूसरा पर्सन है जो इस कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, तो थोड़ा सा यू हैव टू टेक इट स्लो. अगर आप ये पर्सन है जो किसी पर्सन को ये बोलना चाहते हैं कि प्लीज़ मुझे कमिटमेंट दे दो या फिर इस कनेक्शन को सीरियस कर लो, तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रेडी नहीं है अभी सीरियस करने के लिए. तो टेक इट स्लो. और उसके बाद में यहाँ पे नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और एट ऑफ कप्स की एनर्जी है. दूसरा एक साइड नोट है जो सबके लिए नहीं है. आप में से कुछ लोग, क्योंकि आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है किसी कनेक्शन में, तो आप मूव ऑन करेंगे या फिर एक डिस्टेंस बनाएंगे जिस भी पर्सन के साथ आप हैं उससे. तो यहाँ पे स्टोरी ने थोड़ा सा टर्न ले लिया है. हो सकता है कि आप किसी पर्सन से डिस्टेंस बनाए जस्ट बिकॉज वो पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है या फिर आपका कमिटमेंट उससे हो नहीं पा रहा है, बिकॉज आप चाहते हैं कि आप लोग साथ में रहें, यू नो कमिटमेंट मिले, बट कमिटमेंट यहाँ पे हो नहीं पा रहा है. आपको टेंशन हो रही है क्योंकि आप ये सोच रहे हो अप्रैल में कि अब मुझे मूव ऑन करना पड़ेगा या फिर मुझे अब इस पर्सन से डिस्टेंस बनाना पड़ेगा. पता नहीं मैं डिस्टेंस बना पाऊँगा या नहीं, बना पाऊँगी कि नहीं, कैसे हो पाएगा. तो थोड़ा सा आप टेंशन में आ रहे हो और ये आपने अभी डिस्टेंस बनाया नहीं है. ऐसा लग रहा है कि सोच सोच के आप टेंशन में आ रहे हो कि मैं इस पर्सन के बिना कैसे रहूँगा, कैसे रहूँगी, बिकॉज आप किसी से बहुत ज़्यादा अटैच दिख रहे हो. तो जस्ट बिकॉज यहाँ पे कमिटमेंट इश्यूज़ हैं इसीलिए आप डिस्टेंस बनाने का सोचोगे. और उसके बाद ओके यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन हो रही है आपको. अगेन यहाँ पे थोड़ा लाइफ में बर्डन दिख रहा है बिकॉज आप और आपके पर्सन दोनों लोग सेम पेज पे नहीं हैं. अब मुझे यहाँ पे आपकी अब जितना भी हमने कार्ड्स देखे हैं उससे हमें समझ में आ रहा है कि टेंशन वाली बात नहीं है. और टेंशन वाली बात क्यों नहीं है, बिकॉज जेमिनी आपकी लाइफ में ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें होते हुए दिख रही हैं. दिस इज़ नॉट अ जोक. यहाँ पे अगर आपको प्यार मिल रहा है, अपनी रोमांटिक लाइफ में प्यार मिल रहा है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको अगर किसी पर्सन से डिस्टेंस बनाना पड़ा तो आपकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज आपकी लाइफ में प्यार लिखा हुआ है, प्यार मिलेगा आपको बहुत सारा. तो ओपन रहिए ऐसे लोगों के साथ कमिटमेंट में आने की, या फिर ओपन रहिए ऐसे कनेक्शन में जाने की जहाँ पे सामने वाला भी आपके लिए सीरियस हो या फिर सामने वाला भी आपको रिस्पेक्ट दे रहा हो या फिर आपको कमिटमेंट दे रहा हो. कहीं भी वैसी जगह अगर आप टाइम वेस्ट करोगे अप्रैल में जो पर्सन आपके लिए ही सीरियस नहीं है, तो ना आप हर्ट हो सकते हो. ओके, गलत जगह पे एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी है हमें, गलत लोगों से हमें प्यार सीख नहीं करना है. सो यस, व्हाट एल्स इज गोइंग ऑन. देन वी हैव एस ऑफ कप्स. एस ऑफ कप्स दो दो बार आ गया है. ये रहा एस ऑफ कप्स और ये रहा एस ऑफ कप्स. तो क्या बोल रहा है ये महीना आपका ट्रायल एंड एरर का महीना हो सकता है. ट्रायल एंड एरर क्या होता है, मतलब कि जिस पर्सन ने आपके साथ में सोचा था, जिस पर्सन के साथ में आपने सोचा था उस पर्सन के साथ में आपका कनेक्शन वैसा फॉर्म नहीं हो रहा है, बट जिस पर्सन के साथ में एक्सपेक्टेशन आपने नहीं की थी वो पर्सन बाद में आपको समझ में आ रहा है कि आपका सोलमेट है. ऐसा कुछ यहाँ पे हो सकता है बिकॉज बार बार आपकी कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में कुछ नया हो रहा है, कुछ प्रोफाउंड हो रहा है, कुछ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है. बट बार बार हम ये भी नोटिस करें कि आप पर टेंशन में हो, आप किसी से डिस्टेंस बना रहे हो, जहाँ पे आप ऑफर दे रहे थे वहाँ पे ऑफर आपका एक्सेप्ट नहीं हुआ है. तो ये सारी चीज़ें आप फील कर सकते हैं. एस ऑफ कप्स के साथ में डेथ आया है. डेथ ये बता रहा है कि आप अपनी लव लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट पे हैं जेमिनी, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन वाली जगह पे आप स्टैंड करें जहाँ पे आपकी लव लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी. जब आप यहाँ पे दो बार नाइन ऑफ कप्स आ गया है, सॉरी नाइन ऑफ पेंटिकल आ गया है. दो बार नाइन ऑफ पेंटिकल आना मतलब कि आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट एनर्जी में रहोगे, करियर पे फोकस्ड रहोगे आप एक पॉइंट पे आके अप्रैल में, बिकॉज ये दो बार आया है. आप अच्छी एनर्जी में दिख रहे हो, चार्मिंग एनर्जी है, अट्रैक्टिव एनर्जी है आपकी, ऐसी एनर्जी के लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं. जब आप बहुत ज़्यादा फोकस अपनी लव लाइफ पे से हटा के अपने खुद की पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने पे या करियर पे दोगे, उसी टाइम पे आपको कोई पर्सन मिलेगा जो आपको ऑफर लेके आएगा आपके लिए. तीन पेजेस आ गए हैं हमारे पास. पेज ऑफ कप्स है यहाँ पे, पेज ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे, और पेज ऑफ वांड्स है.
ओके, तीनों पेजेस हैं यहाँ पे। ये तीनों पेजेस ये बता रहे हैं कि किसी न्यू लव की एंट्री हो रही है लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स भी है। ये सारी नई एनर्जीज हैं, और ऐसा नहीं है कि अप्रैल में जाते से कोई नया पर्सन आपको मिल जाएगा। नहीं, आप थोड़ा सा सफ़र करते हुए दिख रहे हो, पहले थोड़ा टेंशन लेते हुए दिख रहे हो आप थोड़ा टेंशन में हो अपनी लव लाइफ को लेके। तो लॉट इज गोइंग ऑन जेमिनाई। ये महीना थोड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए आपकी लव लाइफ में। अब चलिए आपके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में डिस्कस करते हैं। पास्ट में क्या हुआ है, प्रेजेंट में क्या चलेगा अप्रैल में, और अप्रैल के बाद में फ्यूचर में क्या चीज़ें होंगी, आपके पर्सन की एग्जैक्टली एनर्जी क्या है आपके लिए। ओके यूनिवर्स, प्लीज शो अस क्लियरली जेमिनाई की लव लाइफ का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर और आउटकम। यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्च्यून और यहाँ पे है टू ऑफ पेंटिकल। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून हमें क्लियरली बता रहा है कि आप डेस्टिन्ड हैं, आपकी डेस्टिनी में कोई पर्सन लिखा हुआ है, आप कुछ डेस्टिन्ड हैं, यू नो अपनी लव लाइफ में कुछ होना डेस्टिन्ड है। ओके हाँ जी, तो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है जेमिनाइज ओके आपकी लव लाइफ में। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ दिख रही है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है और टू ऑफ पेंटिकल है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून और टू ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून डेस्टिनी का आपके रोल बताता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून अप्रैल में ये बता रहे हैं कि अप्रैल में कई सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपकी डेस्टिनी में लिखी होंगी, आपकी लव लाइफ की डेस्टिनी में लिखी होंगी, और ये चीज़ें पॉजिटिव हैं बिकॉज व्हील पॉजिटिव साइड घूमने की कोशिश कर रही है आपकी लव लाइफ में। ओके, जब व्हील ऑफ फॉर्च्यून आता है तो हमें ये समझ में आता है कि जो डेस्टिनी है हमें पुश कर रही है पॉजिटिव साइड ले जाने की कोशिश कर रही है, या फिर जो हमारी किस्मत में फाइनली जिसके साथ हम लिखे हुए हैं उस तरफ ले जाने की कोशिश कर रही है हमारी डेस्टिनी। ओके, अब ये आपको महसूस हो रहा होगा थोड़े नेगेटिव इमोशन के साथ में कि लव लाइफ में मेरे वो चीज़ें नहीं हो रही है जैसे मैं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। टू ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि आप दो एनर्जीज में जगल कर रहे हैं, या तो आपकी लाइफ में पास्ट भी है आपका, प्रेजेंट कुछ और ही चल रहा है, तो दो एनर्जीज हैं, दो ऑप्शन हैं, दो पाथ है, दो लोग हैं, कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे फॉर श्योर जगलिंग चल रही है। अब यहाँ पे डेस्टिनी आपको पुश कर रही है और आप अपनी लव लाइफ में जगल कर रहे हैं दो लोगों के बीच में, या फिर अपने पास्ट के बीच में और प्रेजेंट के बीच में। आप कंफ्यूज रहोगे, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली एनर्जी भी है आपकी, आप कन्फ्यूज़ रहने वाले हो अप्रैल में कि आखिर होने क्या वाला है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद में यहाँ पे हम पास्ट में देखें तो सिक्स ऑफ वांड्स की एनर्जी है और द लवर्स की एनर्जी है। सिक्स ऑफ वांड्स और द लवर्स बताते हैं कि आपने बहुत ही प्रोफाउंड टाइम किसी पर्सन के साथ में बिताया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपने कनेक्शन शेयर किया है, बहुत ही हार्ट टू हार्ट कनेक्शन आपने शेयर किया है किसी पर्सन के साथ में। तो यहाँ पे सोल कनेक्शन दिख रहा है कि एकदम बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन में हैं आप, और क्योंकि जब द लवर्स आता है तो पास्ट में ये कनेक्शन आप दोनों की साइड से दिख रहा है, ये कभी भी वन साइडेड नहीं था, जो भी आपकी पास्ट की सिचुएशन थी वन साइडेड नहीं थी, बिकॉज बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है आप दोनों का, बट फ्यूचर में कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका है। प्रेजेंट में आपकी किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिख रही है। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपकी लाइफ में किसी वर्गो, टॉरस या कैप्रिकॉन की प्रेजेंस बता सकती है, कन्या राशि, वृषभ राशि या फिर मकर राशि की। एट द सेम टाइम किंग ऑफ पेंटिकल कई बार हमें ये भी बताता है, अगर आपके पर्सन वर्गो, टॉरस या कैप्रिकॉन नहीं है तो हमें ये भी बताता है कि लाइफ में अभी फैमिली और पैसों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, या तो आप दे रहे हो या फिर आपके पर्सन दे रहे हैं। ओके, तो क्या हो रहा है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, डेस्टिनी अपना अलग गेम खेल रही है और बहुत ज़्यादा फोकस आपका या आपके पर्सन का काम पे या पैसों पे है। एट द सेम टाइम प्रेजेंट सिचुएशन में फाइव ऑफ सॉर्ड्स भी दिख रहा है।
फाइव ऑफ सॉर्ट्स ही बता रहा है कि ये कनेक्शन इतना ज़्यादा स्मूदली नहीं चल रहा है, इवन दो हम देख रहे हैं कि सोल कनेक्शन है, सब कुछ है, ये इतना ज़्यादा स्मूदली आपका कनेक्शन नहीं चल रहा है जिस तरीके से आपके पर्सन ने इमेजिन किया था कि ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा, वैसा नहीं जा रहा है। जिस तरीके से आपने इमेजिन किया था वैसा भी नहीं जा रहा है। यहाँ पे फैमिली या किसी और पर्सन की वजह से फाइव ऑफ सॉर्ट्स क्रिएट हुआ है। फाइव ऑफ सॉर्ट्स कॉन्फ्लिक्ट है, एक ऐसी लड़ाई होना, ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होना जहाँ पे सिर्फ एक पर्सन की जीत हो रही है और दो लोगों की हार हो रही है। मतलब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे एक इंसान खुश है और दूसरा इंसान थोड़ा सैड है और तीसरा इंसान बहुत ही ज़्यादा सैड है। यहाँ पे कुछ काम गड़बड़ हुआ, ये पर्सन खुश है यहाँ पे, ये पर्सन थोड़ा सैड है और ये पर्सन बिल्कुल ही सैड है। तो समझ में आ रहा है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कुछ बातें हुई हैं और ये जो टॉक्सिसिटी है इसमें किसी इंसान का फ़ायदा हो गया है और कुछ लोगों का नुकसान हुआ है। उसके बाद में द हैंग्ड मैन की सिचुएशन क्रिएट हुई है। द हैंग्ड मैन ये बता रहा है कि अब सब कुछ रुक सा गया है, इस कनेक्शन में कुछ फ्यूचर नहीं दिख रहा, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा। उसके बाद में यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी बताती है कि अभी मिस्ट्री बहुत है इस कनेक्शन में। स्पेशली ये मिस्ट्री आप अप्रैल में फील करोगे, बिकॉज अप्रैल में आपका कनेक्शन बहुत ही अनसर्टन जगह पे रहेगा। आपको कोई आइडिया नहीं रहेगा कि आपका और इस पर्सन का कोई फ्यूचर है या नहीं। अगेन द हाई प्रीस्टेस बता रहे हैं अप्रैल में आप बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देखोगे, लव रीडिंग्स देखोगे, ये रीडिंग्स देखोगे, वो रीडिंग्स देखोगे, बस ये जानने के लिए कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। बट फिर भी आप कंफ्यूज ही रहने वाले हो, क्योंकि इस कनेक्शन की क्लैरिटी आपको खुद से मिलेगी, कोई कहीं बाहर से नहीं मिल पाएगी। उसके बाद द स्टार की एनर्जी है। द स्टार की एनर्जी ये बता रही है कि अप्रैल में आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि क्योंकि मेरा इस पर्सन के साथ में फ्यूचर अभी क्लियर नहीं है, तो अगेन आप अपना फोकस अपनी लव लाइफ पे से हटाएंगे और खुद पे डालेंगे फोकस। आप खुद को हील करने की कोशिश करेंगे, बट अगेन अप्रैल में कुछ आपके दिन बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस जाने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस आपके दिन निकलेंगे। आपको टेंशन होगी, आपको बुरा लगेगा, आपको परेशानी होगी, क्योंकि चीज़ें बिल्कुल भी ऐसी आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं जैसा आप चाहते हो। यहाँ पे आपकी एनर्जी में सिक्स ऑफ कप्स आया है। आप अपने पर्सन से मिलना चाहते हो, चीज़ें ठीक करना चाहते हो, चीज़ें क्लियर करना चाहते हो, आप रिकंसिलेशन चाहते हो, आप रीयूनियन चाहते हो, इस कनेक्शन को आगे लेके जाना चाहते हो। ये आपकी एनर्जी है, ये आप करना चाह रहे हो। मुझे लग रहा है आप इनिशिएट करेंगे। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो आप बात करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है कुछ फैमिली या थर्ड पर्सन की वजह से तो आप उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बट एट द सेम टाइम आप अप्रैल में थोड़ा सा खाली भी फील करेंगे और लोनली भी फील करेंगे, क्योंकि आपको हो सकता है वो रिस्पॉन्स ना मिले अपने पर्सन से जो आप चाहते हैं। ओके अब यहाँ पे आपके पर्सन की फीलिंग्स में द डेविल आया है। हम और भी कार्ड्स निकालेंगे, द डेविल के अलावा भी और भी कार्ड्स निकालेंगे इस पर्सन की फीलिंग्स जानने के लिए। ये पर्सन इस कनेक्शन में द डेविल फील कर रहे हैं, मतलब कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई फैमिली की इंटरफेरेंस है, कोई टॉक्सिसिटी है, कोई जेलसी है, ऑब्सेशन है, कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी आपके पर्सन की साइड से एग्जिस्ट कर रही है, जो कि हम देखने की कोशिश करेंगे। अगर हम फ्यूचर में जाते हैं तो यहाँ पे हमें दो कार्ड्स मिलते हैं, थ्री ऑफ पेंटिकल और फाइव ऑफ वांड्स। क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि फ्यूचर में कोई पर्सन है जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसे ठीक करने की कोशिश करेगा। ओके और आउटकम में देखें तो आउटकम में डेथ दिख रहा है और पेज ऑफ वांड्स दिख रहा है। आउटकम में मोस्टली लोगों के लिए ये सारी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रही है पॉजिटिव एनर्जी में, और आप अपनी लव लाइफ में एक नए ट्रैक पे जाते हुए दिख रहे हैं। ओके अब अगर यूनिवर्स की गाइडेंस देखें तो यूनिवर्स की गाइडेंस एट ऑफ पेंटिकल की है। यूनिवर्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि अपना बहुत ज़्यादा फोकस आपको अपनी खुद की हीलिंग पे रखना है, टॉक्सिसिटी से थोड़ा दूर रहना है। अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलती की है इस कनेक्शन में तो एफर्ट डालिए, नहीं तो आप अपने ऊपर एफर्ट डालिए। ओके और इस पर्सन का वेट करिए कि ये क्या आपको रिस्पॉन्स दे रहा है, आपको कमिटमेंट दे रहा है या नहीं दे रहा है, या फिर इस कनेक्शन का क्या होगा।
यस, यहाँ पे आपके लिए मैसेज ये भी कि यस ये सोल कनेक्शन है, यस ये बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, बट अप्रैल में पता लगाना इम्पॉसिबल है कि आप दोनों का फ्यूचर है या नहीं है। इवन तो आपकी लाइफ में कुछ लोग हैं जो नए लोग हैं, कुछ लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपकी बातें भी होंगी कुछ अलग लोगों से जो कि ये स्टोरी में नहीं फिट बैठते हैं, ये कुछ कोई और लोग हैं, बट आप उनसे बात करके मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील नहीं करोगे। तो आपको ये चीज़ समझना है कि अप्रैल आपका किसी सॉलिड जो कनेक्शन है, जो पास से आप शेयर कर रहे हो, अगर आप इस स्टोरी से रिलेट कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा अप्रैल अच्छा नहीं जाएगा। क्यों अच्छा नहीं जाएगा? क्योंकि आपको आपके आंसर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपका कन्फ्यूजन दूर नहीं होगा अप्रैल में। तो आपको अपनी लव लाइफ से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी है। डू रिमेम्बर कि आप डेस्टिन्ड हैं अपने सोलमेट के साथ रहने के लिए, बिकॉज व्हील टर्न हो रही है धीरे धीरे। आप फाइनली अपने सोलमेट से मिलेंगे, आपका यूनियन होगा, एक बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस वाली जिंदगी आप जियेंगे, बट उस चीज़ तक पहुंचने में अभी समय है थोड़ा सा। ओके, तो इस महीने हमें डेस्परेट नहीं होना है कि हमें पॉजिटिव आउटकम मिल जाए या फिर ये हो जाए या फिर वो हो जाए, सब्र रखना है। अभी ये महीना खुद पे फोकस करने का मंथ मुझे ज़्यादातर दिख रहा है। और आपको प्यार मिल रहा था, ऐसा नहीं है कि आपको प्यार नहीं मिलेगा अप्रैल में, कुछ अच्छा नहीं होगा आपके साथ, ऐसा नहीं है। आपको प्यार मिल रहा था, आपको कहीं ना कहीं से प्यार, अटेंशन और केयर मिल रही है। मुझे नहीं पता कौन पर्सन आपको दे रहा है, बट आपको मिल रही है, तो उस चीज़ को तब तक की चेरिश करें। आप ये सवाल अप्रैल में ना उठाएं कि मुझे बस जानना है कि मेरी शादी किससे होगी, मुझे जानना है मेरा रीयूनियन होगा कि नहीं, मुझे बस जानना है, ये आप अप्रैल में मत करिए। अप्रैल थोड़ा सब्र का मंथ है, बिकॉज जितना आप कोशिश करोगे आंसर्स जानने की, उतना ज़्यादा फ्रीक आउट होते जाओगे। ओके, अब देखते हैं, पर्सन डेविल तो फील कर रहा था, और क्या फील कर रहा है कि ओके, अभी ये डेविल पर्सन फील कर रहा था और टू ऑफ सॉर्ड्स फील कर रहा है। टू ऑफ सॉर्ड्स कंफ्यूजन बता रहा है इस पर्सन का। ये पर्सन, आपके जो पर्सन है, ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। क्यों डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं? क्योंकि द डेविल एनर्जी एग्जिस्ट करती है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, फैमिली, काम, कुछ ना कुछ हो सकता है, बट ये एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और ये पर्सन कन्फ्यूज़ है। और उसके बाद यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स है और थ्री ऑफ वांड्स है और थ्री ऑफ कप्स है, सेवन ऑफ पेंटिकल, जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून। इस पर्सन की फीलिंग में डेविल दिख रहा है, टू ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है, डेविल टॉक्सिसिटी है, टू ऑफ सॉर्ड्स कन्फ्यूजन है, बट उसके बाद जितने भी कार्ड्स आए हैं, सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं आपके पर्सन की साइड से। तो अगेन मुझे कंफर्म हो गया कि आप दोनों ना बहुत ही अच्छा बॉन्ड शेयर करते हो एक दूसरे के साथ में। यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है, इससे पता चल रहा है कि इस पर्सन को आपके साथ रह के बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। थ्री ऑफ वांड्स है, ये पर्सन किसी चीज़ के होने का वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है। किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है? थ्री ऑफ कप्स का इंतज़ार कर रहा है। थ्री ऑफ कप्स क्या है? आपसे मिलना, आपसे यूनियन होना, आपसे चीज़ें ठीक होना। ये पर्सन आपके कनेक्शन को नर्चर करके रखना चाहता है, जजमेंट, सेकेंड चांसेस चाहता है, बट व्हील ऑफ फॉर्चून। बट व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब डेस्टिनी इज़ एट प्ले। इस पर्सन को भी रियलाइज़ हो रहा है कि जो भी हमारे बीच में हो रहा है, मेरे और जेमिनाई के बीच में हो रहा है, ये थोड़ा डेस्टिनी पे डिपेंड करता है, हाथ में नहीं है मेरे। तो यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यस, इस पर्सन को समझ में आ रहा है, कुछ इंटरफेरेंस है, इस पर्सन को समझ में आ रहा है। ओके, अभी और क्या एनर्जी है और गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की, ये देखते हैं। मुझे बॉटम ऑफ द डेक देखना था, मैंने देखा कि नहीं देखा, एक मिनट। ओके, एक ही कनेक्शन है, एक ही कनेक्शन में प्यार भी है और झगड़ा भी है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप लोग झगड़ा कर रहे हो, यहाँ पे एक दूसरे को प्यार दिखा रहे हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा केयर फ्री टाइम स्पेंड कर रहे हो। कितने, एक तो एक जैम है ना, आपकी लाइफ में लोग हैं। ओके, आई डोंट नो आप क्या कर रहे हो, बट आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, बिकॉज लोग आपकी लाइफ में
यहाँ तक तो ये सेम एनर्जी दिख रही थी, बट अब ये नाइट ऑफ पेंटिकल भी आ गया है. लोग हैं आपकी लाइफ में, कोई एक इंसान नहीं दिख रहा है आपकी लाइफ में. तो आई डोंट नो आप क्या कर रहे हो, बट ओके. अब देखते हैं और क्या है आपकी लव लाइफ में इस महीने. मुझे आपके पर्सन है ना, उनके इंटेंशन अच्छे दिख रहे हैं, खराब नहीं दिख रहे हैं. ओके. फ्लर्ट, किसी से आप फ्लर्ट करते हुए दिख रहे हैं. इतना सब कुछ कॉम्प्लिकेशन चल रहा है लव लाइफ में, बट स्टिल आपका फ्लर्ट वाला फेज चल रहा है. ओके. तो आप किसी से फ्लर्ट कर रहे हो अप्रैल में, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हो आप अप्रैल में. और यहाँ पे ये गाइडेंस के तौर पे भी आया है कि स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस. तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको सजेस्ट करेंगे जितना पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, जितना फेथ रखेंगे, उतना ज़्यादा लव और रोमांस आपकी लाइफ में आएगा. हनीमूनों के आप थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हो, अपने अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो किसी पर्सन के साथ में वेरी सून. ओके. तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बता रहे कि आपका मैनिफेस्टेशन बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में आने वाला है, बट आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अपनी लव लाइफ में चाहते क्या हैं. आपको यूनिवर्स को क्लियर करना पड़ेगा. रोमांटिक फीलिंग्स, तो यहाँ पे किसी के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हुए आप दिख रहे हो, इमोशनल फील करते हुए दिख रहे हो. फाइनेंस एंड करियर, फाइनेंस या करियर समहाउ इम्पैक्ट डालेंगे आपकी लव लाइफ पे जेमिनी. उसके बाद है डिसेप्शन. डिसेप्शन ये बता रहा है कि आप और आपके पर्सन जिनके साथ में ये इतना कुछ चल रहा है यहाँ पे, हो सकता है आप लोग एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ना कर पाएँ, एक्सप्लेन ना कर पाएँ, आप दोनों एक दूसरे की मजबूरियाँ ना समझ पाएँ, बिकॉज यहाँ पे डेविल एग्जिस्ट करता है. सो यू नेवर नो. हीलिंग फैमिली इश्यू, फैमिली का इंटरफेरेंस, फैमिली से रिलेटेड मजबूरियाँ. बहुत ही आपकी हिस्टोरिकल लव रीडिंग आई है, जहाँ पे लग रहा है कि फैमिली की कुछ मजबूरियाँ हैं, आप दोनों की कुछ मजबूरियाँ हैं, जिसके कारण आप दोनों साथ में आगे कनेक्शन आप दोनों का जा नहीं पा रहा है. राइट. आई वॉन्ट टू टेक फ्यू कार्ड्स और क्या कुछ हमें हिंट मिल जाए. आई नो अब इस पॉइंट पे कार्ड्स रिपीट होंगे, बट स्टिल आई वॉन्ट टू ट्राई कि कुछ नया पर्सपेक्टिव हमें मिल जाए. ओके. क्लोज योर आइज एंड टेल योर सेल्फ दैट यू डिजर्व टू फील जॉयफुल. ओके. यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है कि नो मैटर आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, नो मैटर आपकी लाइफ में कितनी डिफिकल्टीज चल रही हैं, एक चीज़ याद रखिए कि आप प्यार डिजर्व करते हैं, आप डिजर्विंग हैं, आप ट्रू लव डिजर्व करते हैं, आप दुनिया की सारी खुशियाँ डिजर्व करते हैं. और इस चीज़ के लिए अपनी होप कभी मत छोड़िएगा कि आप जिस टाइप का प्यार चाहते हैं वो प्यार आपको मिलेगा ही मिलेगा. उसकी होप मत छोड़िएगा. लुक इनसाइड योर सेल्फ, एग्जामिन वॉट इज कॉजिंग. ओके. यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज ये है कि आपको जैसा भी अपनी लव लाइफ में फील हो रहा है या फिर जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं, उसको थोड़ा अच्छे से समझिए कि आप वो डिसीजंस क्यों ले रहे हैं. ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कुछ कर रहे हैं या फिर आप तो कुछ ऐसी चीज़ें शायद आप कुछ ऐसा करें जो आपको नहीं करना चाहिए. तो लुक विद इन योर सेल्फ, अपने आप में झांक के देखें कि क्या कर रहे हैं हम. रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस. तो यहाँ पे मैसेज ये कि आप अपने पर्सन को स्पेस दीजिए, थोड़ा एक दूसरे को से थोड़ा अगर डिस्टेंस भी आता है तो इट्स ओके. अभी ये ऐसा टाइम है कि आप अपने पर्सन को थोड़ा सा स्पेस दें, जिससे कि वो सोच पाएं कि वो एग्जैक्टली लाइफ में क्या चाहते हैं. और थोड़ा सा फेथ रखें कि जो भी कुछ चल रहा है आपकी लव लाइफ में, वो जो भी बेस्ट होगा वही आपके साथ होगा. बट रिफ्लेक्शन ही बता रहा है कि थोड़ा सा स्पेस अगर आ रहा है आपके और आपके पर्सन में, तो वो स्पेस को रहने दें. ओके. घबराए ना मत, घबराइए मत उस स्पेस से, क्योंकि अगर आप एक दूसरे से थोड़ा दूर रहेंगे तो उस डिस्टेंस में भी ज़्यादा बेटर तरीके से आपके पर्सन भी डिसाइड कर पाएंगे और आप भी डिसाइड कर पाएंगे कि आगे आप लोग चाहते क्या हैं. यस, किसी क्वेश्चन का आंसर यस है, किसी क्वेश्चन का आंसर यस है. तो इस रीडिंग के दौरान आपके दिमाग में अगर कोई बात आई है तो उस क्वेश्चन का आंसर यस है. नॉट द राइट टाइम, अभी समय सही समय नहीं आया है कि आप अपने रिलेशनशिप को या लव लाइफ को आगे लेके जाएं या फिर आप किसी पर्टिकुलर डिसीजन पे पहुंचे. थोड़ा सा वक्त दीजिए, अभी सही समय नहीं है. एंड नो, तो यस है, नॉट द राइट टाइम, एंड नो. तो यूनिवर्स कौन सा गेम खेल रहे हैं आपके साथ मुझे नहीं पता, बिकॉज़ यहाँ पे यस बोला है और यहाँ पे नो बोला है. किसी चीज़ के लिए यस है और किसी चीज़ के लिए नो है, एंड दिस इज़ बिटवीन यू एंड द यूनिवर्स. तो मैं यहाँ पे इस चीज़ को छोड़ रही हूँ, बट मैं आपको
ये बताती हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से साइन बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट है, और फिर हम अल्फाबेट्स भी देखेंगे जिससे आपको समझ में आए कि ये रीडिंग आपकी थी या नहीं थी। स्पेशली इस रीडिंग का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और आउटकम वाला पार्ट हम देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे जो सबसे डोमिनेंट एनर्जी है, सबसे पहले तो वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन की है, कन्या राशि, वृषभ राशि और मकर राशि। उसके बाद एक्वेरियस भी हमें स्ट्रांग दिखे हैं, कुंभ राशि, वर्गो फिर से दिखे हैं, कन्या राशि, जेमिनाई, आपके पर्सन भी जेमिनाई हो सकते हैं, मिथुन राशि। और अगर आपका आपके पर्सन के साथ में कनेक्शन अच्छा चल रहा है तो इस रीडिंग को खुद पे मत लीजिएगा। ओके, डिपेंड भी करता है ना कि आप रिलेट कर रहे हैं कि नहीं। मन में फालतू में मनगढ़ंत कहानियां मत बनाइएगा अगर ये रीडिंग आपकी नहीं है तो। उसके बाद में यहाँ पे कैप्रिकॉन दिख रहा है, अगेन फिर से मकर राशि, स्कॉर्पियोज दिख रहे हैं, वृषभ राशि और सैजिटेरियस दिख रहे हैं, धनु राशि, और कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थे यहाँ पे, कर्क राशि, मीन राशि और वृषभ राशि। और उसके बाद में क्या बात है, इस बार बहुत ही ज़्यादा जेमिनाई, जेमिनाई लिब्रा भी है यहाँ पे तुला राशि। इस बार ज़्यादातर जो एनर्जीज आई हैं वो अर्थ और वाटर आई हैं इस रीडिंग में। ओके, अब मैं आपको अल्फाबेट्स निकालती हूँ। यहाँ पे कैंसर आए हैं, कर्क राशि, लियो आए हैं, सिंह राशि, एंड द अल्फाबेट्स वी हैव आर आर एस ए एच एन डब्ल्यू एच वाई एन ई पी ओ एल ओ एफ आई सी एन आई एंड सी। तो ये सारे लेटर्स हैं। ओके जेमिनाई, सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। नेक्स्ट आपकी लव रीडिंग हम करेंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन करेंगे नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक के नेक्स्ट वीक प्रोबेबली। तब तक के लिए टेक गुड केयर एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।